जी, तो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दैट स्टैंड्स फॉर वर्ड एल्टीस्पाइस बेसिकली इज द लीनियर टेक्नोलॉजी सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। तो बेसिकली ये स्पाइस एक पूरी फैमिली है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, तो उसमें से एक जो पार्ट है वो एल्टीस्पाइस है। तो हमने इसको यूज़ करना है इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, और फिर हम उसके ऊपर वोल्टेज और करंट और डिफरेंट पैरामीटर्स, पावर और जो भी चीज़ हम उसके अंदर बोडे प्लॉट, उसका मैग्नीट्यूड, फेज, ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसकी बेस पे डिज़ाइन और एनालिसिस दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, बेसिकली फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, इसके 17 वर्जन आ चुका है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ फाइल सेक्शन के अंदर, वो 17th इसका वर्जन है। मैंने डाउनलोड करके वहाँ पे आपको दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड खैर दोबारा कर लें, या फिर इसकी आप जस्ट गूगल करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, डीसी एसी ये दोनों चीज़ें, और इसका जो सर्किट होता है उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस जो है वो करता है, और इसके अंदर ना सिर्फ लीनियर बल्कि नॉन लीनियर सर्किट्स का भी ये ट्रांजिएंट एनालिसिस करता है। इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बहुत सारे कम लोग अभी जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपकी अटेंडेंस डज मैटर। तो अगर आपकी अटेंडेंस के अंदर आप इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि, और ये भी पता चल रहा होता है कि आप यू आर नॉट बिकॉज आपका बल्कि सेशन तो शुरू मोस्टली जो है ऑनलाइन क्लासेस आप पहले भी ले चुके हैं, तो आपके ड्यूरेशन जो है ज्वाइनिंग की वो भी आ रही होती है कि कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो मेक श्योर योर प्रेजेंस, अदरवाइज आपकी जो अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो फिर एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको इशू होगा। आप लोग इस तरह से करें कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने लैब स्टार्ट होने से पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने पीसीज के अंदर, तो आप उसको ओपन कर लें, जो उसका आइकन होगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर बना हुआ, ये यहाँ पर ये जो लीनियर टेक्नोलॉजी के नाम से जो इसका आइकन है, बेसिकली इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। साथ साथ जो मैं आपको बताता जाऊँगा वो काम हम करते चले जाएंगे। एल्टीस्पाइस बेसिकली फ्री वेयर है, मतलब इस आपको पे नहीं करना पड़ता इसको डाउनलोड करने के लिए, सिमुलेटर है। अगर आप मैक यूजर हैं, अगर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसका लिंक भी यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, जस्ट लाइक आपने सी में काम किया होगा, उसके अंदर आप वर्ड्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे के उसके काम ले सकते हैं। इसको इस चीज को इस एल्टीस्पाइस के अंदर नेट लिस्ट कहा जाता है। बेसिकली वी विल नॉट बी डूइंग दैट, हम जस्ट जिस तरह आपने पहले भी विजुअल सॉफ्टवेयर यूज किया होगा सर्किट की सिमुलेशन के लिए वर्चुअल बेस पे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सर्किट्स को कंपोनेंट्स के थ्रू पिक एंड ड्रैग करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे और फिर उसकी आउटपुट देख लेंगे। तो हम स्कीमेटिक कैप्चर इसका देखेंगे इस, और क्योंकि वो कंपैरेटिवली, और स्टूडेंट्स आप बीइंग स्टूडेंट्स भी, आप अगर आपसे कंपैरिजन करवाया जाए कि आप किस चीज़ में ईज फील करते हो, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट गो टू द राइटिंग ऑफ एनी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ सर्किट। इफ यू हैव एन ऑप्शन लाइक यू हैव डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड यू कैन सेलेक्ट एंड प्लेस दैम इन अ प्लेटफॉर्म एंड यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन व्यू योर आउटपुट्स एनी वेयर यू आर इंटरेस्टेड इन, जस्ट वोल्टेज, करंट, वेव फॉर्म, एनी टाइप ऑफ वेव फॉर्म यू आर इंटरेस्टेड, यू विल डेफिनेटली गो फॉर द स्कीमेटिक कैप्चर, नॉट फॉर द नेट लिस्ट। बट दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू डू दैट। अगर कोई बंदा जो है वो प्रोग्रामिंग वो चाहता है कि मैं प्रोग्राम लिख कर जो है वो सर्किट को इम्प्लीमेंट करूँ, तो वो कर सकता है, लेकिन लैब के अंदर हम मोस्टली विजुअली चीज़ों को देख रहे होंगे और इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। इसके अंदर आपके पास वर्चुअल स्कोप होती है, बोडे प्लॉट्स आप बना सकते हैं, FFT एनालिसिस, ये आगे आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन है टाइम डोमेन सिग्नल्स की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इसके ऊपर सर्किट्स का। और इसी अगर आपने इसके कॉन्टेंट देखे हों, इसकी जो ENA की लैब है बेसिकली, इसके अंदर आप लो पास, हाई पास फिल्टर्स डिज़ाइन करेंगे, तो फिल्टर्स जो है उसको बेटर उसका वे होता है उसको व्यू करने का, उसको समझने का, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही होता है जो कि बोडे प्लॉट्स होते हैं। तो आप थ्योरी में भी इसको पढ़ेंगे होपफुली, और यहाँ पर भी हम इसको फिल्टर्स को एनालाइज करने के लिए बोडे प्लॉट्स यूज करेंगे।
तो आप सब लोगों ने जो है वो इसको स्टार्ट कर लिया हुआ है सॉफ्टवेयर को? यस सर। जस्ट 12 पीपल आर इन द मीटिंग। जी, अली हसन यहां पर मौजूद है? यस सर। मैं आई विल रैंडमली कॉल द नेम ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लैब्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट पीपल्स आर फिजिकली हियर। कुछ लोग ज्वाइन करके जो है वो खुद से गायब हो जाते हैं, दिस इज नॉट द वे। तो आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आप लोग अगर इसके अंदर मीटिंग के अंदर हैं, अदरवाइज आपको एबसेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा, सबसे पहले ये इसका इंटरफेस आपके सामने ये देखें। आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट मोस्ट जो ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्ले का बटन है बेसिकली, उसका आइकन है। तो जस्ट आप उसको कर ले न्यू स्कीमेटिक के लिए। जिस आप वर्ड में करते हैं कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो आपके पास नई स्कीमेटिक आ जाएगी। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट ASC के नाम से फाइल आपके पास आती है। तो सबसे पहले आप ये जो लेफ्ट मोस्ट बटन है न्यू स्कीमेटिक का, इसको डबल इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास नाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग सर्किट्स। ठीक है, तो आप लोग करें जरा इसको क्लिक जो मैं आपको बता रहा हूं। इसाम असगर सर ने सॉफ्टवेयर जो है वो चला रहे हैं साथ साथ, इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर। चलिए आपका अदील। जी अदील। यस सर। यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है? यस सर, मैंने नया स्कीमेटिक खोल लिया। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप क्या करेंगे, ये देखें, ये अब ना बहुत सारी चीजें आपको खुद से जो है ना वो समझाने की जरूरत ही नहीं। ये आइकन जो है, यू आर नॉट इन द फर्स्ट सेमेस्टर, इवन FSC लेवल के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है टॉप, ये वाली जो टूल बार है बेसिकली, इसके अंदर ये आपको रजिस्टर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट कैपेसिटर है, उसके बाद इंडक्टर है, फिर डायोड है, और उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट, आपके पास विजुअली चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आमतौर पे रजिस्टर को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे जब आप, ठीक है, तो आपके पास ये रजिस्टर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा, और आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे ये प्लेस करता चला जाएगा। अगर आप करें जरा, आप जिन लोगों ने खोला हुआ, मैं हर दफा आप जो मैं करता जाऊँ आप साथ साथ करते जाएं। यानी इसमें सबसे ब्यूटीफुल जो इसका एस्पेक्ट है वो यही है कि एक दफ़ा आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है ना, तो वो उस वक्त तक लेफ्ट क्लिक करके आप उसको कंटिन्यू करते चले जाओगे अनटिल अनलेस कि आप राइट क्लिक नहीं करते, राइट क्लिक करके आप उसके ऊपर वापस आ जाओगे। तो इस तरह से आप रजिस्टर, बिल्कुल बेसिक सर्किट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप दो रजिस्टर लेके उसको सीरीज में कनेक्ट करें सबसे पहले, फिर अगला स्टेप बताता हूँ। देखें वो क्या कह रहा है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अंदर, टू ऐड अ कंपोनेंट क्लिक ऑन द करिस्पोंडिंग आइकन, या तो उसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उधर भी जा सकते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। ये यहाँ पर जो इधर से भी आप जा सकते हैं, इस टैब के अंदर से आप जाएंगे टूल्स के अंदर या फाइल्स के अंदर, वहां पर ये कॉम्पोनेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी को डिलीट करना है तो उसका F5 के बताया हुआ है, मूव करना है F7 बताया हुआ है, और अगर आपने उसको ड्रैग करना है तो आप इसको, ये जो फंक्शंस की हैं आपके कीबोर्ड की, यहाँ से भी आप उसको जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो आप क्या करें, दो रजिस्टर सेलेक्ट कर लें। रजिस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज सोर्स, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। इसको एडिशनल कंपोनेंट का मैं नाम देता हूँ। ये आपको बज़ाहिर वोल्टेज सोर्स यहाँ पे इस टूल बार के अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये जो गेट का सिंबल बना हुआ है, ये वाला डायोड से अगले वाला, ये जो गेट का सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए। जिस तरह इसने रेड कलर में लिखा हुआ है कि चूज वोल्टेज, आप वोल्टेज लिखेंगे तो यहाँ से करेंगे ओके करेंगे आपके पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है राइट क्लिक द सोर्स टू स्पेसिफाई द वोल्टेज। अब जब आपके पास ये आ जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उस पर कि आपने इसको क्या बनाना है, डीसी बनाना है, एसी बनाना, वो भी उस ये देखें। अब आप यहाँ पर गए, ये आपने यहाँ से वोल्टेज लिखा, ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आ गया। अब ये आ गया, एक दफा राइट क्लिक करें सो दैट कि ये नहीं तो वोल्टेज सोर्स बढ़ाता चला जाएगा वो। अब ये हैंड आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये देखें कर्सर के तौर पे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें, वो आपसे पूछ रहा है डीसी वैल्यू, ठीक है, आप इसको 10 वोल्ट्स दे दें डीसी वैल्यू। ये समझ आ रही है सब लोगों को? यस सर। बहुत आसान है इसके अंदर काम करना, इससे पहले भी आई थिंक सो आपने काम किया होगा। आप मुझे बताएं सर, आपने इससे पहले किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स है उसको डिजाइन करने के लिए यूज किया हुआ है सॉफ्टवेयर के बाद, इससे अलावा कोई और? सर मल्टी सिम यूज किए, मल्टी सिम किया हुआ, काफी चीजें मतलब इन सब के अंदर कॉमन ही होती हैं, जिस तरह ये कंपोनेंट्स लेना और उनको कनेक्ट करना, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको पास एक एडवांस, आप दोबारा इसको राइट क्लिक करेंगे, एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सिलेक्ट एनी ऑफ दीज सोर्सेज, पल्स, साइन, ये, और इधर देखें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। आप सीखेंगे कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में ना, स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल एनालिसिस सीखेंगे थ्योरी में, वो क्या होता है, वो भी इसके ऊपर परफॉर्म जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी जो कंपोनेंट होता है वो प्योरली इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो रेजिस्टर होती है उसकी कैपेसिटर, उसकी सॉरी अपनी इंडक्टेंस भी होती है और इसकी रेजिस्टेंस भी होती है। तो आप आगे जाके जब जाएंगे ना कंपोनेंट्स के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये चीज़ आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ESR होती है इंडक्टर की और कैपेसिटर की, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर। तो अगर आप आइडियल चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उनकी वैल्यूज उसके अंदर इस तरह की पैरासिटिक वैल्यूज जीरो होती हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप देखना चाहें इनके साथ उसको करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन डीसी वैल्यूज, तो हम इसको ओके कर देंगे। ये आपके पास रेजिस्टर्स हैं और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है। अगर अब फॉर एग्जांपल मैंने तीन एडिशनल, अब सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर साइनोसाइडल देखना चाहते हैं, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। साइनोसाइडल के अंदर आप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जस्ट काफी पैरामीटर्स हैं वैसे तो आप उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दें, तो आपके पास साइनोसाइडल, आपको पता है कि साइनोसाइडल सिग्नल क्या होता है, तो उसके पैरामीटर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर आपको मोस्टली सर्किट इस तरह से बनाता है कि कंपोनेंट्स की जो अलाइनमेंट होती है वो आपको डिफरेंट लगाना पड़ती है। फॉर एग्जांपल कभी ये वैसे स्पेसिफिक किस्म का डायोड है या आम डायोड नहीं है, तो जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कभी आपको डायोड इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी इसका इन्वर्जन, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल एंड सो ऑन। आप कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह BJTs के अंदर जब आप देखेंगे, आप ट्रांजिस्टर जब आप लगाते हैं तो उसकी मिरर इमेज डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको डायोड देखने में, तो अब आप देखा कि अगर आप कंट्रोल ई करते हैं तो इसका मिरर इमेज, क्योंकि डायोड है तो आपको इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर होता है तो उसकी जो बेस होती है अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड पे होती है, जब आप उसको कंट्रोल ई करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। यू कैन अप्लाई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स टू एनी ऑफ द कंपोनेंट्स। आप वोल्टेज सोर्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पोनेंट की आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, हमने कनेक्ट करनी है कॉम्पोनेंट्स को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर, हाँ, कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पेंसिल यूज करते हैं। ये जिस तरह की पेंट में आपने देखी होगी पेंसिल, यहाँ पर ये देखें पेंसिल बनी हुई है, और इसको आप ले कर्सर लेके जाएंगे, वो इसके नीचे लिखेगा वायर। तो बेसिकली नाउ यू आर रेडी टू वायर द कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने कंपोनेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए, अभी हमने रेजिस्टर की वैल्यूज इसको साइन नहीं की। प्रोटियस या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट रेजिस्टर की कोई वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी। इफ यू नॉट स्पेसिफाई द वैल्यूज तो वो क्या कहेगा कि आपके पास वैल्यूज आपने सेलेक्ट नहीं की हुई, वो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, उसको प्ले ही नहीं करेगा। तो इस आप पहले इसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या, टॉलरेंस इसकी क्या होनी चाहिए, पावर रेटिंग, सिलेक्ट रेजिस्टर भी आप कर सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंट पावर के, ये उसका नाम है, ये उसकी ओम के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑल रेजिस्टर्स इन डेटाबेस आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो उसके आप उसको कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने इसको जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको 1000 जो है वो
हम कह देते हैं, या 1K आप कह दें इसको, इसी तरह इसको मैं 1K कह देता हूँ। और अगर मुझे ये रजिस्टर नहीं चाहिए, मैं जस्ट सीजर्स को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं पेंसिल लूंगा यहाँ से। अब ये जब आप पेंसिल लेते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके पास ये पूरा कर्सर आ जाता है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी वही ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स को इससे कनेक्ट करना। आप एक दफा राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ तक लेके आना चाह रहे हैं। तो आप जिनके पास ये सॉफ्टवेयर है वो खुद ये काम करेंगे, तो आप उनको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको पैरेलल में बनाना चाहूँ, तो आप कहीं से भी उठाकर आप आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सर्किट बन गया, ठीक है। अब जो एक चीज रह गई है वो है ग्राउंड। तो आपने ना क्या करना है, ग्राउंड का आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दें। अब ये ग्राउंड उस वक्त खत्म नहीं होगा जब तक राइट क्लिक नहीं करेंगे। आप दोबारा पेंसिल लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका सर्किट यहाँ पर बन गया, ठीक है। नाउ योर सर्किट इज रेडी फॉर सिमुलेशन। यहाँ तक आप लोगों ने सबने सीरीज में लगा लें, इसको पैरेलल में लगा लें, इट्स योर जस्ट फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ एनी सर्किट इन Altispice, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप देखें इसको ड्राफ्ट 1 का नाम देता है, अगर आपने इसको नहीं दिया हुआ। अगर आप इसको सेव एज करेंगे .asc के नाम से, कोई भी फाइल जो है ये बन जाएगी, ठीक है। अब जो है, अब आप क्या करेंगे, ये रन का बटन जो है, आपको दौड़ता हुआ एक बंदा नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां तक मुझे बताएं कि आप सब लोगों ने कर लिया हुआ है। जी वलीद, वलीद आप यहां पर मौजूद है, मोहम्मद वलीद, आवाज नहीं आ रही आपकी। समझ आ रही है सबको? यस सर। तो जब अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये एक सर्किट बनाया हुआ था, तो मैं इसी को जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं इधर सीजर से इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब जब आप इसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते। अब जब आप यहां से करेंगे, रन का बटन दबाएंगे, तो अच्छा ऑटोमेटिकली ये कर्सर जो है वो खुद ब खुद, लेकिन ये ब्लैंक होगी। अब अगर आप यहां पर देखना चाह रहे हैं ना कि अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपने वोल्टेज देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया, आप इस पे नोड स्पेसिफाई कर सकते हो, ये देखें लेबल टेक्स्ट करके कि आप यहाँ पर इस नोड के नाम रख सकते हो, उसके मुताबिक वो शो कर देगा। अगर आपने नहीं लिखा हुआ को नोड जीरो, इसको ये जो रेड कलर की ये प्रॉप जो नजर आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इसके क्रॉस ये वोल्टेज बता देगा आपको। मैंने यहाँ पर इसको वैसे बाय द वे ये अगर आप ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, इसके ऊपर हम अभी ठहर के जाएंगे। ये मैंने डीसी स्वीप एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप एक जनरल सर्किट बनाते हो तो ये मैं इसका स्वीप एनालिसिस कर रहा था बेसिकली, तो इसलिए ये मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अभी आपने स्वीप एनालिसिस नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसका स्वीप एनालिसिस है, लेकिन आपके पास जो भी सर्किट बना हुआ आप उसकी आउटपुट देखें, ठीक है। तो मैं आपको एक ये चीज बता रहा था कि ये आप यहाँ पे लेके आएंगे, आप रेड कलर का आपको ये नजर आएगा प्रॉब। अगर आप इसको रजिस्टर के ऊपर लेके आएंगे, नजर आ रहा है आपको, ये करंट को मेजर करने के लिए है। मींस इफ यू वांट टू फाइंड करंट अक्रॉस एनी कंपोनेंट, यू विल रिप्लेस द कर्सर अक्रॉस नॉट अक्रॉस अपॉन दैट कंपोनेंट। अब ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो सिंबल है ये करंट के लिए है, और ये जो पेंसिल है ये वोल्टेज के लिए है। सर आप प्रोब लाए कहां से? कहीं से भी नहीं, आप इसके ऊपर लेके आए। जब ये जब आप रन कर देंगे ना, जब आप इसको रन का बटन आप प्रेस कर देंगे, तो ये प्रोब खुद ब खुद आप उसके ऊपर कर्सर लेके आए, खुद आएगी, ठीक है सर। अब ये देखें, पहले मैंने एक किया था, तो इसने बाय डिफॉल्ट इसका नाम VN01 दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ना मैं कर्सर, इसका कलर, हर चीज चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका नाम तक चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने ना कर्सर अगर मैं इसके साथ अटैच करना चाहूँ, तो उसका क्या फायदा है?
अब आपको मैंने कहा है कि मुझे ये बताओ कि मुझे ना -2 वोल्ट के ऊपर कितनी वैल्यू है इसकी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये कर्सर यहाँ पे, ये कर्सर यहाँ पे मौजूद है, ये कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास ये कर्सर, ये देखें, अब वो ग्रिड के साथ जो है वो, अगर आप देखें तो ये राइट यहाँ पर इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये देखें। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, यहाँ पे उसने कहा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपके पास हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल ये है, इतने मिली वोल्ट है, और वर्टिकल के ऊपर उसकी वैल्यू ये है, यानी कि जिस तरह हम ग्राफ में नहीं कहते किसी एक पॉइंट की मुझे वैल्यू बताओ, तो आप स्पेसिफिकली किसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में जाके किसी एक वैल्यू को देख सकते हैं कि उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है और उसकी वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है, ठीक है? अब तो अभी तक हमने जो है वो देखा था वोल्टेज, यहां पर मैंने देखा था। अब मैं अगर इसको यहां पर क्लिक तो यहां पर एक और कलर के अंदर मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा, ये देखें ब्लू कलर के अंदर, ये तो वोल्टेज था। इसी तरह अगर मैं करंट भी देखना चाहूं तो मैं इसके क्रॉस ये प्रेस कर दूंगा तो ये एक और कलर के अंदर करंट भी आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप किसी की कंपोनेंट, ये सबसे बेसिक जो था वो इसके, उसने ये देखें 3 कलर्स हैं हमारे पास, अब वो इसके अंदर मर्ज हो गया, ब्लू रेड और ये आपके पास जो स्केल नजर आ रहा है आपको, ये मिली एम्प्स के अंदर है, ये करंट के लिए राइट साइड पे, और आप इस स्केल को आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसकी जो लिमिट्स है वो भी चेंज कर सकते हैं, इवन कि इसको लॉगरिथमिक करवा सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास करंट का स्केल, ये देखो जो येलो कलर का स्केल आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये राइट साइड के ऊपर करंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास एक और स्केल है, आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो वर्टिकल में लेफ्ट साइड पे है ये भी वोल्टेज है, और स्केल को कहीं जगह पे भी आप राइट क्लिक करें तो उसकी आप लिमिट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, और टिक्स भी बता सकते हो कितनी देर बाद एक टिक आपने लगाना है। यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताए, बहुत आसान है वैसे जी। दानियाल मीर, अहमद दानियाल आप यहां पर मौजूद हैं? दानियाल जी, हसन खालिद मौजूद है यहां पर? जी सर। आपने स्कीमेटिक नहीं है ये वाली? सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसे में समझ लिया ये सर। आपको वैसे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए था, मैंने कल ही ये आपको मैसेज कन्वे कर दिया था टीम्स के ऊपर कि आपने लैब से पहले इसको डाउनलोड करना है, और आप यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते अगर आपने किया था। जी वलीद सर, मैंने आपकी आवाज बहुत कम आ रही है वलीद, क्या कह रहे हैं आप? सर प्लॉट बना लिया मैंने, ग्राफ बन गया, आ गया वोल्टेज और करंट की वैल्यू, ये पता चल गया कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैसे देखनी है। यस सर, वोल्टेज की निकल आई है, करंट की अभी मैं ये कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, ये आप कर्सर किस तरह लाए हैं ग्राफ पे? या इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आप इसको चेंज कर सकते हो, उसके अंदर जाकर ना टूल्स के अंदर अगर आप जाए ना तो ये कलर प्रेफरेंस के अंदर ये खुद ब खुद आ जाता है, ये वाला ये ग्राफ जो है ना, जब आप इसको रन का बटन प्रेस करोगे ना तो ये खुद ड्राफ्ट लिखा हुआ है जो ये अच्छा ये कर्सर से आया है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कर्सर ये यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 फर्स्ट एंड सेकंड कर्सर आप लेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, ये देखें 1 और इधर 2 भी होगा, ये देखें ये कर्सर है। मैं किसी ग्राफ में किसी भी एरिया पे जाके अगर ये देखना चाहता हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का जो वैल्यू है ना, अब इसके ऊपर वो मुझे बता देता है कर्सर 1 की हॉरिजॉन्टल के ऊपर, अब आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल के ऊपर मेरे पास वोल्टेज है, वर्टिकल के ऊपर मेरे पास ये है, हमारे पास 3 चीजें हैं ना, 2 वर्टिकल के ऊपर, एक वर्टिकल के ऊपर करंट है, एक वर्टिकल के ऊपर वोल्टेज है, और ये मैंने असल में स्वीप एनालिसिस किया हुआ है, आप अगर करेंगे ना तो वो आपको वोल्टेज दिखाएगा, और ये भी पूछेगा पहली दफा कि आपने कितने टाइम के लिए जो है, कितने सेकेंड्स के लिए आपने इस सिमुलेशन को रन करना है, ठीक है? समझ आई है? यस सर, आ गई। अब ये देखिए आपके पास एट द सेम टाइम 2 विंडोज ओपन होगी, ड्राफ्ट 1.raw ये रॉ है, ये आपको आउटपुट दिखाएगा, और .ASE का आपका सर्किट होगा, ठीक है?
यस सर जी। सर रन करें तो स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम मांगते हैं, तो उसमें क्या करना है? स्टार्ट को तो आप जीरो कर दें, जीरो से आपने स्टार्ट करवाना है, जीरो से स्टार्ट कर दें और वन कर दें तो वन सेकंड के लिए वो चल पड़ेगा। आप 100 m छोटा डाल दें तो इसका मतलब है 100 ms के लिए, सेकंड के लिए आपने s नहीं डालना, ठीक है? आप उसको वन कहेंगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट सेकंड लेगा। अगर आपने सेकंड से छोटा लेना है माइक्रो फॉर एग्जाम्पल या मिली, तो उसके लिए आपको उसका जो है वो करना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं, मेरे जहन से वो टर्म यूज टर्म जो है वो निकल गई, जिस तरह हम किलो के लिए प्री फिक्सेस, बेसिकली प्री और पोस्ट फिक्सेस अगर आपने जो बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वही है, मतलब सेकंड लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप वन लिखेंगे, वन सेकंड के लिए रन कर, आप चेक कर लें जरा। ओके सर। इसी तरह से अब मैं कंपोनेंट के ऊपर आता हूँ ना, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो उसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, उसकी अलाइनमेंट वर्टिकल है, मैं इसको वर्टिकल नहीं करता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह आपने सर्किट्स में करनी होती है कि आर टू की वैल्यूज, आर वन की वैल्यू, इसके ऊपर आपने क्या चेंज करना है, सारा कुछ वो मतलब आप। और हाँ, यहाँ पर अगर मैं अब ये देखें, यहाँ पर मैं इसका नाम अगर फॉर एग्जाम्पल ए लिखता हूँ और ओके करता हूँ, तो मैं इस नोड का नाम मैंने ए रख दिया है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ये नोड ए की है, इनके दरमियान में कुछ, अगर मैं इसको यहाँ के बजाय यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूंगा, इसका नाम जो है वो आप चेंज कर लें, यहाँ से ए की बजाय इसका नाम बी कर दें, तो ये बहुत अच्छा। आपको पता है कि सर्किट बनाते हुए आपको डिफरेंट नोड्स के नाम जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। अब फायदा ये होगा कि जब आप अब इसको जो है वो दोबारा से रन करोगे तो उस वक्त आपके पास जो वैल्यूज आ रही होंगी ना, वो इस रिस्पेक्ट से आ रही होंगी, ए बी के नाम से, वी सी, ये देखें वी सी आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वी ए कहीं आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे करता हूँ तो ये मतलब जो आप चाहेंगे ना वही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके क्रॉस अप करता हूँ तो ये आई आर वन आ गया। अब मैं आर वन की जगह इसका नाम लोड रजिस्टर लिखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ, ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये चीजें काफी मैंने आपको बता दी, एक चीज बस रहती है इसके अंदर, ये वेव फॉर्म्स अभी हम देखेंगे। आपने अभी तक बोडे प्लॉट कहीं जगह पर आपने पढ़ा है बड़ा बोडे प्लॉट? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या बोर्ड प्लॉट के बारे में आपने कभी सुना है? मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, वैसे बता दो। इसाम असगर कौन है? सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कभी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का नाम सुना है, बोर्ड प्लॉट? सर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का सुना है, बोर्ड प्लॉट का ईडीसी में था, ईडीसी लैब में। यानी कि आपने पढ़े हुए हैं बेसिकली, है ना? सर, नाम सुना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। चले, ईएनए भी में भी आप पढ़ेंगे इसको दोबारा से। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आप FFT एनालिसिस, गेन और फेज, ये इसी एनालिसिस भी आप कर सकते हो आप। हाँ, ये देखें, अब अगर आपके पास ये पेन है, इसके अंदर आप चाहते हो कि एक के अंदर ये आप राइट क्लिक करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे ऐड प्लॉट पेन आप करेंगे तो यहाँ पे आप एक और से अलग प्लॉट देख सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो करंट है वो अलग आए और वोल्टेज अलग आए, ठीक है? तो मैं इस तरह से करूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये इसका अलग से ग्राफ बन गया है। यू कैन ऐड मल्टीपल ग्राफ्स एट द सेम टाइम, ठीक है? आप राइट क्लिक करके उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐड प्लॉट पैन, ठीक है? समझ आ रही है? यस सर। आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जस्ट एक मिनट।
ये देखिए मैं आपको जो बात बता रहा था कि ये जो रेड कलर की कर्सर है बाय डिफॉल्ट ये वोल्टेज प्रॉब होती है, और अगर आप इसको किसी कंपोनेंट के ऊपर लेके जाओगे तो ये इस तरह के अंदर चेंज हो जाएगी और ये करंट प्रॉब बन जाएगी। और अगर आप इसको इसके ऊपर रखा हुआ ये बनी हुई है तो साथ आप ALT का जो बटन है अगर आप वो प्रेस करेंगे तो आपको उस कंपोनेंट की पावर ड्रॉन भी आ जाएगी। चलिए हम ये करके देखते हैं। देखें उसको ना अगर ज्यादा टाइम तक ये चलाए ना तो ये इस तरह से करना शुरू कर देता है। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। आप उसकी सिमुलेशन को जो अगर आप स्टॉप नहीं करते तो ये फिर आपको दोबारा जाके करना पड़ता है इसको ऑन। ये पहले भी मेरे साथ इसने एक दफा ऐसे किया है। जी तो हम बात कर रहे थे इस बात यानी कि अगर मैंने अब देखें इसको रन किया है, हम बात कर रहे थे अभी तक हमने पावर मेजर नहीं की। अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे और साथ ALT प्रेस करो तो ये देखें ये थर्मामीटर बन गया है। अब इसको मैं R2 के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये DC है तो ये बता रहा है कि A से C तक का जो नोड है ना, बेसिकली ये तो नोड था ही नहीं, मैंने आपको बताया था, ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, उसका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये क्या होती है बेसिकली, इसाम असगर आप बताओ। यस सर। ये जो यहाँ पर आपके पास ये ग्रीन कलर की कर्व आ रही है ये वाली, ये V और I का प्रोडक्ट है, तो ये किस चीज की कर्व है भला सर? पावर। पावर ये देखिए आपको लेफ्ट साइड पे इसका स्केल भी नजर आ रहा है ना मिली वाट में। यस सर। आपको एक चीज देखिए एक चीज अब जैसे अब थ्योरी में आप ये चीज खुद एनालिसिस इस चीज का करोगे, सिर्फ मैंने वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाया हुआ है ठीक है, और ये इस पॉइंट की पावर है। अगर इन दोनों के दरमियान में पावर आप देख रहे हैं स्टार्ट में बहुत ज्यादा होती है पावर, फिर कम होते होते एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है और फिर जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है, ऐसा ही है। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। समझ आ रही है? भाई समझ भी आ रही है कि नहीं? हसन सर। जी सर आ रही है सर। ये अटेंडीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग कम होते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 11 थे, फिर 9 हो गए थे, अभी 10 हुए हैं। एनी हाउ तो पावर भी आप जो है वो किसी भी थर्मामीटर का आइकन जो है वो आपके सामने आ जाता है तो आप उससे पावर जो है वो। अब यहाँ पर हम जो है असल काम की तरफ आए कि हमने जो एनालिसिस, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही नेटवर्क एनालिसिस है बेसिकली, तो आपने ये काम इसके ऊपर करने हैं। DC स्वीप एनालिसिस हम क्या कर किसको यूज करते हैं कि सर्किट के 22 पॉइंट अगर हमने किसी वैल्यूज के ऊपर देखने हो तो आप वो उससे देख सकते हैं, और फिर आपको ये अलाउ करता है कि आप सर्किट को बहुत दफा टाइम अगर चलाना चाहते हैं और उसके अंदर आप स्वीप करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यूज को एक रेंज को, उसके बाद आप ये देखना चाहें कि आपके ऑपरेटिंग पॉइंट कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। आप ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब ये होता है, ये वाला आप पहले सेमेस्टर से पढ़ रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल आपने RC सर्किट देखा होगा अभी, आज अभी हमने उसको देखना है, तो उसके अंदर ना कैपेसिटर चार्जिंग जो मैकेनिज्म है जो फिनोमिना है जो आपने कई दफा देखा होगा कि वो आपने इस चीज को देखा होगा कि वो टाइम कांस्टेंट होता है 63% तक अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो वो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होता है। तो उसके अंदर जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, एक वो इंटरवल देखें और एक वो टाइम देखें जब वो फुली चार्ज हो गया, अब वो स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया है, उससे पहले वो किस स्टेट के अंदर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बार बार ये लफ्ज आपको सुनने को मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम में भी आप सुनेंगे, ये सर्किट के अंदर भी सुनेंगे, डिवाइसेस के अंदर भी, कि ट्रांजिएंट जो रिस्पांस होता है किसी भी कंपोनेंट का, इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल वहां से हमें ये पता चलता है कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो स्टार्ट के अंदर उसके अक्रॉस जो है
जब हम बिल्कुल स्विच ऑन करते हैं, अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज बिल्कुल जीरो होता है, करंट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे उसका वोल्टेज बिल्डअप होता जाता है, आपने देखा होगा एक कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज होती है, और जो करंट की कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होती चली जाती है। जब वो फुली चार्ज हो जाता है सोर्स के वोल्टेज के साथ, तो उन दोनों का क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस जीरो रह जाता है, तो उस वक्त कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है और करंट जो है वो जीरो हो जाता है, वोल्टेज उसका मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है इसको सारे को ट्रांजिएंट बोलते हैं। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, दिस इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह एसी एनालिसिस, हमने ये देखना हो कि दो वेव्स जो है, आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के अंदर जो है वो करंट क्या करता है, आप बताएं। पहला सेमेस्टर है तो नहीं है अब आपका। हसान बिन एहसान, आप जहां पर मौजूद है, हसान बिन एहसान मौजूद नहीं है यहाँ पर? यस सर आई एम प्रेजेंट। बताएं कैपेसिटर के अंदर करंट और वोल्टेज में से कौन सी चीज लीड और कौन सी लैग करती है? सर कैपेसिटर में जी सर नाउ यू आर इन फोर्थ सेमेस्टर सर, वो आपने एकदम से पूछना तो वो माइंड से निकल गया सर। सर वोल्टेज में ना वोल्टेज लैग करता सर कैपेसिटर में। करंट आ गया मैसेज? मैसेज आ गया होगा आपको अभी तक तो? नहीं सर, वो आपने एकदम से पूछना तो मैं प्रिपेयर नहीं था। अगर मैं एकदम से आपका नाम पूछूं आपसे वो भी भूल जाओगे? नहीं सर, वो याद है। चले ठीक है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप म्यूट कर दें, कि अगर हम ये देख रहा हूँ दो वेव फॉर्म्स हैं, एक उसके अंदर लीड या लैग कर रही है बेसिकली, या उसका अगर हमें उसका एम्पलीट्यूड देखना है, या बहुत सारे फेजर एनालिसिस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से किसी को भी हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए एसी एनालिसिस भी यूज किया जा सकता है। ये है वो चीज जिसके ऊपर मैं आपको लेके आना चाह रहा था। ड्रॉ योर सर्किट देन स्पेसिफाई ऑल ऑफ द कंपोनेंट एंड देन सिमुलेट। आपने सिमुलेट कर लिया, सिमुलेट जब आप कर रहे हैं उसके अंदर एक ऑप्शन आता है एडिट सिमुलेशन CMD। आप सिमुलेट के इसमें जाएं, यहाँ पे एडिट सिमुलेशन, ये देखें CMD, ये वो चीज है, ये जो नीचे डॉट के नाम से आ रहा है, इसके अंदर ये आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद है, ट्रांजियंट, AC, स्वीप, नॉइज, ट्रांसफर, DC, ऑपरेटिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। आपको इसके पैरामीटर थोड़े से स्पेसिफाई करना पड़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है अभी। तो ये आप, मैंने अभी इसको वैल्यूज नहीं दी इसलिए वो एरर जो है वो दे रहा था, या आप इसको सिलेक्ट करके यहां से आप सिमुलेट करने के बाद एडिट कर सकते हैं, या ये आपके पास ये डॉट ऑप के नाम से स्पाइस डायरेक्टिव के नाम से आ रहा है। अभी हम देखते हैं स्पाइस डायरेक्टिव क्या चीज है। स्पाइस डायरेक्टिव कहता है कमांड स्टार्टिंग विद डॉट। आप प्रोग्रामिंग के अंदर ना, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि डॉट के नाम से ना हम चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जो है वो इन्वॉल्व है, बहुत माइनर लेवल की। तो डायरेक्टिव जो है वो करती है कि अभी हम इसको देखते हैं, तो ये डॉट के नाम से जो है ना जो कमांड यूज होती है उसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पाइस डायरेक्टिव जो है वो होती क्या है। अगर हम ये वाले जो मैंने आपको सारे एनालिसिस बताए, ये वाले ये हम करना चाहते हैं, उसके लिए ये यूज होती हैं। ये चीज वो कहता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप उधर जाओ और सिमुलेशन करो, फिर राइट क्लिक करो एम्प्टी एरिया के ऊपर और स्कीमेटिक के ऊपर जाओ और व्यू करो, तो ये आपके पास आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया डॉट ओपी के नाम से यहाँ पर राइट मोस्ट के ऊपर, लेफ्ट मोस्ट के ऊपर आपकी स्कीमेटिक्स होती, तो राइट मोस्ट के ऊपर डॉट ओपी के नाम से है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखें स्पाइस डायरेक्टिव के नाम से आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ डॉट डीसीवी इन, ठीक है। आप इसके ऊपर आगे जाके मैं, आप बहुत सारी कमांड्स होती हैं इसकी डायरेक्टिव की कि आपने क्या करना है इसे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने ट्रांसिएंट एनालिसिस कराना है तो डॉट ट्रांस आ जाएगा, ट्रैन डॉट ट्रांस, ये देखें ये मैं ट्रांसिएंट एनालिसिस के लिए इसको रख, जस्ट आपको समझाया है। अभी मैंने डीसी इसका एनालिसिस किया हुआ था इसलिए ये डॉट डीसी आया है। तो इसकी डिफरेंट कमांड्स हैं,
आप नहीं लिखना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप उसकी, अब जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास वो तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अब आप लोग ये करो कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट करो, जरा डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो वो असल में मैंने स्वीप एनालिसिस भी किया हुआ है ना, एक मिनट। आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं आपको वो ये बताएगा कि इस वक्त आपके पास जो है वो वोल्टेज, अगर आप देखना चाहते हो कि तमाम वोल्ट नोड के जो वोल्टेज है उनकी वैल्यू क्या है, ब्रांच करंट्स की वैल्यू क्या है, तो वो आपको जो है वो इस ऑप्शन से पता चल सकती है। ये उसने बताया हुआ कि स्पाइस डायरेक्टिव को ऐड कैसे करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप क्या करें, ये रन बटन को कर दें, उसके बाद रन कमांड इज अ स्पाइस डायरेक्टिव इटसेल्फ, ये जब आप करेंगे तो ये खुद ब खुद भी आ जाता है। यू कैन ऐड अदर स्पाइस कमांड डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन स्पाइस डायरेक्टिव बटन डॉट ऑप, हेल्प में जाके आप ये टूल बार की समरी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो नया सर्किट बनाया है उसके लिए जब आप डॉट ओ पी लिखेंगे उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट्स वो आपके आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, आप जरा देखें ऑपरेटिंग पॉइंट्स आते हैं आपके, ये देखें मैंने डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट का जब बटन प्रेस किया है तो एक मेरा नोड था वी सी, ये वाला वी सी, उसके ऊपर उसने वोल्टेज बताया है वी ए का बताया है। ठीक है, ये जो 9.09 आ रहा है तो आपको ये चीज बता होनी चाहिए, सॉरी ये तो वी सी है, वी ए देखें 10 वोल्ट का सोर्स लगाया हुआ है तो ये आइडियल है क्योंकि मैंने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नहीं ऐड की हुई, अगर वो भी ऐड करता तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप हो जाता। तो आई आर टू इस आर रजिस्टर टू के अक्रॉस क्या करंट है, आई आर वन क्या है, आई वी इन क्या है, वी इन जो यहाँ से करंट आ रहा है। तो देखें आप अगर बहुत बड़ा सर्किट, ये बहुत छोटा सर्किट है ना, इसकी आपको ब्यूटी उस वक्त पता चलती है जब आपने बहुत कोई बड़ा सर्किट जो है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जिस तरह आपने सर्किट एनालिसिस में आपको कहा जाता था कि आप इसके अक्रॉस करंट फाइंड करें, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें, तो तमाम चीजें आपको जस्ट वो यहाँ पर दिखा देगा, ऊपर लिखा हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक किसी को बात कोई समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। मोहम्मद शुएब, शुएब कौन है? यस सर। यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया बेटा? यस सर आ गया। आप क्या आपने डाउनलोड कर लिया हुआ था या आपने अभी नहीं किया? ऐसे डाउनलोड है, मैं कर रहा हूं, साथ-साथ कर रहा हूं। ये आपने ऑपरेटिंग पॉइंट वाला किया है सर? सर्किट बनाया आप डॉट ऑप के नाम से, यहाँ पर जो मैंने आपको काम किया ये नहीं आपने किया? जब आप इसको रन किया वो आपके पास आया है वो वाला? यस सर। मतलब आपने इसको रन किया है वो डायलॉग बॉक्स आया आपके पास ये वाला? सर डायलॉग बॉक्स नहीं आया, ग्राफ बना हुआ है। आपने फिर इस तरह किया होगा कि उसमें एक और भी आया होगा इस तरह का ना डायरेक्टिव, आपने सिर्फ उसमें ऑप रखना है, उसके अंदर वो डीसी एनालिसिस ना आ गया हो। हाँ जी सर, सर लिखा हुआ है सर डीसी एनालिसिस। हाँ तो डीसी एनालिसिस को आप उसको ये सीजर्स लेना और उसको रिमूव कर दे सिर्फ डॉट ऑप के नाम से आप ले। ओके सर। अच्छा इसमें अब जो दूसरी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको इसका वो स्वीप एनालिसिस भी जो है वो फिर लैब टास्क में आपने इस तरह के काम करने होंगे, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। अब हमने, मैं पहला आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने ये करना है डीसी स्वीप एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले वो ये पूछेगा कि आपने किस के ऊपर करना है स्वीप एनालिसिस। ठीक है, वी इन के ऊपर करना है, वो नाम पूछेगा आप किसका स्वीप एनालिसिस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमारा सोर्स यहाँ पे वी इन ही है तो मैं इसका नाम वी इन कर रहा हूं, और टाइप ऑफ स्वीप आपके पास चार ऑप्शंस है, लीनियर, ऑक्टेव, डेकेड और लिस्ट। मैं लीनियर करता हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे -10 से 10 तक इसको स्वीप करवाना है और एक का मैं इंक्रीमेंट दे। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्राफ्स आना शुरू हो जाएंगे, ये देखिएगा। अब मैं वही बात वही होगी, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आके वो इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये स्वीप है। क्योंकि मैंने, अब आप जहन में रखिएगा, मैंने कहा था मैंने -10 से 10 तक वैल्यूज दी हैं,
ठीक है। अब स्वीप का मतलब यही होता है कि आप दो क्वांटिटीज के दरमियान में ये देखना चाह रहे हो कि रिलेशन क्या है। ये देखें, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम नहीं है, वोल्टेज है, वही रेंज जो मैंने दी है, और एक वाई एक्सिस के ऊपर भी बिल्कुल वही वोल्टेज है। तो ये इस ये जो सोर्स है इसका स्वीप एनालिसिस ये कहता है कि मैंने बनाया भी लीनियर था तो लीनियरली उसने 1 का इंक्रीमेंट दिया तो डेफिनेटली ये 10 का है वोल्टेज सोर्स, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है और स्वीप मैंने इसको डिफरेंट वैल्यूज का दिया तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जस्ट लाइक रैम जो है वो इसका रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस नोड के ऊपर तो ये डिफरेंट कलर में है, मुझे ये ब्लू कलर के अंदर बी सी आ गया। ठीक है, ये इसका इसका मतलब वोल्टेज भी जो है वो उसका स्वीप एनालिसिस है। ये स्वीप एनालिसिस को आपने ट्रांजिएंट एनालिसिस के साथ मिक्स नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये देखें आप वाई और एक्सिस के ऊपर एक ही क्वांटिटी, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दिस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम अगर आपने देखा, इसकी पावर देखी थी आपने इस पॉइंट की, बिल्कुल इस तरह कर्व थी, बिल्कुल जिस तरह वो डाउन पैराबोला होता है कि एक पॉइंट पे मैक्सिमम थी फिर बढ़ते कम होते होते जीरो हो गई फिर बढ़ना शुरू हो गई थी, वो था टाइम के रिस्पेक्ट से। अब ये क्या चीज है, ये स्वीप एनालिसिस है बेसिकली। अब इसके ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस वोल्टेज है। अब ये थ्योरी में आपने ये चीजें पढ़नी है कि आपको थ्योरी से ये चीज पता चलेगी, आपको ये पता होना चाहिए खैर कि कौन सा कंपोनेंट जो है डीसी के अंदर उसके ऊपर वोल्टेज कब ज्यादा होती है कब कम होती है। ये चीजें, ये सर्किट की जो तफसील है ना वो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। हम इसके ऊपर उसको जस्ट एनालाइज करेंगे, आपको डिफरेंट वैल्यूज को मेजर करने का कहा जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये ट्रांजिएंट एनालिसिस अगर आपने करना है, अब ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए स्टॉप टाइम वो पूछता है कितना है। ठीक है, तो हम अब इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसके मैं ट्रांजिएंट में जाता हूं तो स्टॉप टाइम मैं इसको 1 दे देता हूं, इसका मतलब है 1 सेकंड का है। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमम टाइम स्टेप कितने का देना है, ये टाइम टू स्टार्ट सेव हमने सेव किसी जगह पे नहीं करवाना, मैक्सिमम टाइम स्टेप हम इसको 0.1 का दे देते हैं। तो जब इसको ओके करेंगे तो अब जब इसको हम रन करेंगे तो ये इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस है। ये देखें, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है वी ए के ऊपर, ये ट्रांजिएंट। अब ये देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपको टाइम नजर आएगा, ये कर्व ये बताती है अगर आप इसको जी अब आप मैं आपको राइट क्लिक करूं इसके ऊपर। ठीक है, इसका कलर जो है फॉर एग्जांपल हम रेड कर लेते हैं और एक कर्सर ले लेते हैं, ओके करते हैं इसको, तो मैं इसके ऊपर इसकी वैल्यू देखता हूं। तो ये देखें आपको ये इस पैन के ऊपर क्या नजर आ रहा है कि टाइम जो है वो इतने मिली सेकेंड है, ये गौर मैं इसको 1 सेकेंड के लिए चलाया था ना, ये 4 to 5 मिली कह रहा है या 0.4 सेकेंड इसको कह लें। ये देखें पॉइंट तकरीबन 0.4 सेकेंड था ये पॉइंट जो मैंने लिया, कहता है उसके ऊपर। अब क्योंकि ये डीसी कांस्टेंट वोल्टेज है तो आपके सामने ये एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसका वोल्टेज हमेशा 10 ही रहता है। तो इसका ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है। समझ आ रही है इस बात की सबको? नहीं, आप बताइए। यस सर। ठीक हो गया। इसी तरह से आप डिफरेंट एनालिसिस, एसी एनालिसिस के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपको टाइप ऑफ स्वीप पहले बताना पड़ेगी, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डे गेट बताना पड़ेंगे स्टार्ट, ये उस वक्त करेंगे जब आपने एसी सोर्स दिया होगा, अभी तो हमने एसी सोर्स दिया नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ चीजें मैंने ऐड की हुई, आप देखिएगा जो अब आपके काम करने वाली चीज है वो आपका मैनुअल जो है वो अपलोड हो जाएगा। उसके अंदर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ ये सर्किट बना लें, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सो दैट के हमारे पास टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो। ये आरसी आपकी जो सेकंड लैब थी उसके अंदर आपने ये करना था कि आपने आरसी सर्किट का जो है वो एनालिसिस करना था, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ एसी सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, तो आप इसका वोल्टेज सोर्स में देखें, इसके अंदर मैंने ये किया हुआ है कि इसको इनिशियल वोल्टेज ये दी हुई, टाइम डिले ये दिया हुआ, ये वाला जो है वो टाइम डिफरेंट दे दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको ये दिया है कि मैंने इसको पल्स दिया बेसिकली। ठीक है, आपने ये सेटिंग कर लेनी है, रिकॉर्ड भी हो रही है, आपने इसको पल्स देनी है जिसका टोटल टाइम 200 मिली सेकेंड हो और उसमें वो 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहे,
यानी 50% ऑफ द टाइम वो ऑन रहे। आप जहन में एक रेक्टेंगुलर पल्स सोचें जो कि 50% ऑफ द टाइम ऑन है और 50% के लिए ऑफ है। ये मैंने इसको दी हुई है इनपुट, ठीक है, और एक आपका रजिस्टर है 200 का और एक कैपेसिटर है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखें ट्रांजिएंट एनालिसिस इसका 200 मिली सेकेंड के लिए हमने किया हुआ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आपके आपको बता देगा स्टॉप टाइम 200 मिली सेकेंड है। अब जब मैं इसको रन करता हूं ये देखें, अब ये आपने एक और चीज देखी, मेरे पास पहला सर्किट था उसकी वेवफॉर्म उसके ऊपर है, ये दूसरा सर्किट मैंने ओपन किया तो इसकी वेवफॉर्म अभी आपको ब्लैंक नजर आ रहा है। अगर मैं इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज देखना चाहूं। सर ये आपने विंडोज डिवाइड किस तरह की है चार में? ये खुद ब खुद हुई है, मैंने नहीं की बेटा, ये खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर, अच्छा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ना पिछले वाले को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो है वो दिखाना चाह रहा था, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस किया है आपको, ये दिखाया ये तीन कर्व्स क्यों है, ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। अगर आप ये देखें मैंने ये वाला वोल्टेज इसके क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ये तीन कर्व्स इस तरह की क्यों है, ये वाली, ये आपको टास्क मिल रहा है अभी। इसके अंदर ये कहा गया ये डिफरेंट कलर्स हैं, इसके अंदर जो आपको मैं अभी जो इसकी ब्यूटी दिखाने लगा हूँ ये है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। अब ये वो मैंने इसको ज्यादा देर के लिए ऑन रखा है ना तो अब ये बंद होगा, आपने इस चीज का ख्याल रखना, आप उसको ज्यादा टाइम के लिए चला दिया करें, ठीक है। मैंने अभी इसको कम टाइम के लिए सेट किया हुआ था, अब ये क्लोज होगा दोबारा से फिर मैं इसको ओपन करूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जी यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपको अक्सर ये कहा जाता है फॉर एग्जांपल ये बताओ कि कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से आपका जो राइज टाइम है या टाइम कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट के अंदर क्या होता है, 1/RC याद अगर हो, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाता है एक तो हम कंपोनेंट्स को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं कॉन्स्टेंट, इसके अंदर ब्यूटी ये है कि आप क्या कर सकते हो, मैंने ये देखें ये कमांड एक लिखी है डॉट स्टेप पैरम, इसका मतलब ये है कि आप स्टेप के अंदर पैरामीटर को चेंज करना चाह रहे हो, किसको, जिसका नाम आपने सी रखा हुआ है उसकी लिस्ट आप क्या बनाना चाह रहे हो कि मैं चाहता हूं पहले उसकी वैल्यू कैपेसिटर की 50 माइक्रो रहे, फिर 100 रहे, फिर 150 रहे। ये देखें तीनों वैल्यूज मैंने इसको असाइन कर दी है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब सिर्फ इसके अंदर चीजें देखने वाली पहली दो है कि डॉट स्टेप और पैरम, ये आपने याद रखना है कि डॉट स्टेप का मतलब होता है कि स्टेप के अंदर आप इसको देना चाह रहे हो पैरामीटर पैरामीटर। उसके बाद जिस, अब मैं आपको ये टास्क दूं कि बताओ रजिस्टर की डिफरेंट वैल्यूज जब आप करेंगे तो उसकी वजह से आपकी वेवफॉर्म के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और मैं आपको कह दूं कि 50 किलो ओम 100 और 150 के लिए करके दिखाओ। तो आपको स्टैटिक एनालिसिस भी किया जा सकता है। अब इसी ने एक के ऊपर ही, अब जरा ये देखें जब आप इसको रन करते हो तो इसने एक के ऊपर ही तीनों ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जस्ट इसका जो है, अब इसके दोनों है चार्जिंग कर्व भी और डिस्चार्जिंग भी है। अगर आप गौर से देखें तो डिस्चार्जिंग कर्व जो है वो 100 मिली सेकेंड के लिए है, तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और मैं इसको कहूं मैं इसको 100 के लिए देखना चाह रहा हूं तो ये आपको सिर्फ ये वाली कर्व दिखा देगा। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि बताओ कि कौन सी कर्व जो है वो आपको चाहिए, समझ आइए इस बात को, राइजिंग यानी चार्जिंग और डिकेइंग डिस्चार्जिंग। तो और मैं आपको ये भी कहूं कि बताओ मुझे किसी कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करके उसका उसके ऊपर इफेक्ट दिखाएं आप, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब स्टॉप टाइम को मैं 200 मिली की बजाय अगर कर दूं 2 सेकंड, तो अब मैं इसको रन करता हूं तो पहले मैं कैपेसिटर का ये देखें, ये इनपुट मैंने पल्सिस दी हुई थी, ठीक है, और अगर मैं इसके क्रॉस करंट देखूं तो ये इस तरह से है। अब देखो एक के अंदर बखुद ही बनाया जा रहा है। अब आप कहते हैं यहां पर ना बहुत ज्यादा एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा एक ही ग्राफ के ऊपर, आप राइट क्लिक करो ऐड प्लॉट पैन करो। तो अब हम कैपेसिटर को अलग से देख लेते हैं, ये कैपेसिटर का वोल्टेज और ये कैपेसिटर का करंट, ठीक है। ब्लू कलर में कैपेसिटर के डिफरेंट वैल्यूज हैं वोल्टेज की, ये डिफरेंट करंट है उसका। नीचे मैंने आपको वोल्टेज दिखाया और उसका
जो है वो करंट दिखा दिया। तो आपको ये कहा, अब ये राइट एक्सिस के ऊपर जो है राइट वर्टिकल एक्सिस पर करंट के डिफरेंट स्केल्स हैं और यहाँ पर वोल्टेज के। अब इस कर्व से आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आती हैं। आप इसके ऊपर थ्योरी को जहन में रखते हुए आप ये देखोगे, अब आपने ये डिसाइड करना है, मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे टाइम कॉन्स्टेंट जो है उसके ऊपर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, इसी तरह टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इसके ऊपर क्या वैल्यूज आ रही है, कि इन तीनों कर्व में से ज्यादा फास्ट कौन सी है और कौन ज्यादा टाइम ले रही है चार्ज होने में। तो ये चीजें जो है ना वो एनालाइज अब आपने करना है इस चीज को, वेव फॉर्म को देखते हुए आपको टास्क ऐसे ही दिए जाएंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रांजिएंट एनालिसिस आरसी सर्किट के अंदर क्या चीजें हो सकती है। अब आरसी मैंने आपको कर दिया, आप क्या करेंगे, कैपेसिटर को इंडक्टर से रिप्लेस करें, उसकी डिफरेंट वैल्यू आप स्टेप पैरामीटर सी की बजाय आप क्या कर दें, एल उसका नाम होगा, इंडक्टर की वैल्यू आप कर दें, इसी तरह उसके अंदर 50 माइक्रो की बजाय आप जो है वो मिली कर दें और उसकी डिफरेंट वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस किया मैंने, इसी तरह से आप जो है वो पैरामीटर की वैल्यूज देख सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। अभी तक जिस बात की आपको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछें। अदनान अली जी, अदनान अली आप यहां पर मौजूद हैं? यस सर, यस सर। ये लैब समझ आई है आपको? मुझे लगता है आप ज्वाइन करके किसी जगह पर और भी चले गए थे। यस सर, वी ये बताएं कि एलटी स्पाइस आपने डाउनलोड किया है? नो सर। अदनान ऐसी बात नहीं बनेगी, एक अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूएशन और फिर लर्निंग, आपके पास एक नई अगर प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए मिल रहा है और आपकी लैब इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो फिर आप खुद इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपको कल को मार्क्स कम मिलते हैं या वैल्यूएशन के अंदर आपको ग्रेड कम मिलता है तो, ठीक है। आपका नेक्स्ट 1 or 2 days के अंदर इंशाल्लाह लैब मैनुअल में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी हम डिसाइड कर लेंगे कि आपसे ये कहें कि आप वो जो कॉपीज जो है वो ले लें, उसके ऊपर आप लिखें, लिखते जाएं वो वाली चीज़, और फिर रूब्रिक्स आपसे शेयर करूंगा, वो आपने लैब टास्क जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और असाइनमेंट अगर हम आपको सबमिट करवा दें, बाकी जो लैब्स हो रही है उनकी भी असाइनमेंट ही है वो, मुझे पता है, मैंने भी आपके सीनियर को भी असाइनमेंट ही देता हूँ। उसके अंदर एक इशू ये है कि आगे पीईसी का जो आता है विजिट, तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले आपकी ईएनए लैब अगर आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिएगा, उन कॉपीज बनाई हुई हैं, तो आप ये करोगे फिर कि आपको एक ही दफा, मैं कहता हूँ आपको डबल काम ना करना पड़े, कि आपको मैं कह दूं आप अपने सिटी से कॉपीज तो डेफिनेटली मिल जाती हैं, तो आप ना इसकी वे फॉर्म मैं आपको कहूंगा साथ साथ पेस्ट करते चले जाओ और उसका इमेज जो है वो पीडीएफ बना के मुझे अपलोड कर दो, तो आपके पास कॉपी भी रिटेन रहेगी और सॉफ्ट फॉर्म भी मेरे पास रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी खपत आपकी ये है कि आपको आपको अल्टीमेटली बाय हैंड लिखना ही पड़ेगा, तो आपके पास कॉपी वो रिटेन रहेगी, उसका सॉफ्ट फॉर्म भी आपका यहाँ पर मेरे पास सेव रहेगा और उसकी डेफिनेटली एक डेडलाइन होगी, वो हम डिसाइड कर लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि आपकी, आमतौर पे मैं यही करता हूँ कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसमें लैब स्टार्ट होने तक जो है वो आप अपलोड कर सकते हो अपना लैब मैनुअल, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाता, सो दैट कि आप टाइमली जो है वो काम करते चले जाएं। वैसे तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप एंड में जमा करवा दीजिएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको पता है ओबी के अंदर परफॉर्मेंस भी आपकी चेक करनी होती है, इस तरह लैब मैनुअल साथ साथ चेक करना होता है, तो आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर हमने आगे जाना है तो अगर आप इसकी बेसिक्स पहली लैब की कवर नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीज़, सारी चीजें आपने लिखनी होगी इसमें। जी जी सर, थ्योरी लिखनी होगी इसमें, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मैं आपको पूरी लेआउट बताऊंगा, आपने पहले भी कॉपीज लिखी हुई हैं, आप कौन सा पहली दफा बना रहे हो, कि उसके अंदर सबसे पहले उसका लैब का टाइटल आता है, फिर उसके अंदर उसका वो क्या उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स या क्या उसको बोलते हैं इक्विपमेंट, इसके अंदर खैर वो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसका प्रोसीजर होगा कि आपने क्या काम किया, और फिर मैंने जो आपको लैब टास्क दिए होंगे आपने उसकी स्कीमेटिक भी बनानी है, और इसी के आप इसको जो है वो सेव कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पर ये बिट मैप के ऊपर जो है ना वो ये सेव हो जाता है, आप ये देख लीजिएगा कि इसकी वेव फॉर्म जो है वो कैसे सेव करनी है, ठीक है।
इसके अंदर किसी प्लॉट सेटिंग के अंदर शायद है, वो बिट मैप के ऊपर आपका जो है वो ये देखें, राइट इमेज टू डॉट, हाँ कॉपी बिट मैप टू क्लिप बोर्ड, ये देखें तो आप क्लिप बोर्ड में करेंगे, उसके बाद आप पेंट में जाएं, यहाँ पे पेस्ट करें, ये वे फॉर्म्स आपकी आ गई हैं, देख लें, ठीक है। इस तरह से करके आप आसानी से इसको वेव फॉर्म को सेव करके, हाँ ऊपर इसको आप टाइटल चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने वी इन लिखा हुआ तो आप इसको वीसी या कैपेसिटर वोल्टेज लिख सकते हैं, या कैपेसिटर करंट है इस कलर के अंदर, या ब्लू के अंदर वो बता रहा है कि रेजिस्टर का करंट है, और ग्रीन के अंदर वो बता रहा है वोल्टेज है, लेकिन आपने इसको कॉम्पोनेंट की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करनी है ताकि मुझे रीड आउट करने में आसानी हो, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को क्या आपने कैसे काम करना होगा? यस सर, यस सर। Hopefully ये एक नया टूल आपके लिए है, तो आप इसको इंटरेस्ट लेके बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो आप इसको सीख सकते हो। इवन के परसों जो है वो मुझे पता चला है, और ये क्योंकि जिसने पहले काम किया हुआ है कि आपके इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करवाना है, और मेरे लिए भी बिल्कुल नया था, लेकिन बहुत आसान था ये इसको समझना, थोड़ा सा टाइम देकर मैंने इसको समझ लिया है। होपफुली आप भी पॉजिटिवली इसको लेंगे और समझने की अभी से कोशिश करेंगे, ताकि अगली लैब जो इससे थोड़ी सी लिटल बिट डिफिकल्ट होगी उसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम ज़्यादा काम करेंगे, आज कुछ टाइम जो है वो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा वेस्ट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर आज आपने दो लैब्स कराएंगे ना? जी जी बिल्कुल। देखो बच्चों आपने उधर भी करनी है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना वो हम, मेरी कोशिश ये है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड अब यहाँ पे हो जाए तो इट्स बेटर। आइए आपका फायदा है, जब आपने कैंपस में आना है तो बहुत सारी आपकी पेंडिंग लैब्स चल रही होंगी, तो उसमें आप लोगों को कवर करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। अभी ये कुछ भी नहीं है, ये वाली लैब सबसे आसान लैब होगी आपकी। इसके अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर आपने चीज़ें करनी होगी, दो तीन टास्क होंगे आपने वो करके, जस्ट मुझे जो है वो मैनुअल बना के दिए जाना है, और साथ साथ आपके मार्क्स भी उसके मुताबिक जो है वो आपको अवार्ड होते रहेंगे। डेफिनेटली ये तो ऑफकोर्स, इन दोनों के टास्क, पहले के तो टास्क बहुत बेसिक होंगे, दूसरे के दो तीन एक दो टास्क जो है वो उसके अंदर लॉजिकल होंगे। डेफिनेटली वो आप अगर खुद से करेंगे चीजों को तो फिर ही आपको चीजें आएंगी ना। सर ये आप टीम पे असाइन कर देंगे क्या ये लैब टास्क, ताकि हम आपको ऑनलाइन सेंड कर दें? ऑफ कोर्स मैं आपको करूंगा, शेयर करूंगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने ये मैं डिस्कस कर लूँगा कॉलीग्स के साथ कि आमतौर पे हम एलसीएस के अंदर तो ऐसे करते हैं, आपके सीनियर्स को मेरा कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मैं लैब करवाता हूँ, आप 2K18 से पूछ के देख लीजिएगा, तो उनसे तो मैं मैनुअल अपलोड ही करवाता था टेस्ट टीम्स के ऊपर ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी का इशू है, तो मैं चाहता हूँ आपको डबल मेहनत ना करना पड़े, आप पहले एक्सेल के अंदर बनाए और वर्ड के अंदर बनाए फिर उसको अपलोड करें, इट्स बेटर कि आप जिस तरह पेपर्स में इमेज लेके अपलोड कर देते हो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है सर। सॉफ्ट फॉर्म में तो बना लेंगे, लेकिन मेरे विलेज में ना प्रिंटर की सहूलत नहीं है, तो फिर कैसे हो? नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में प्रिंटर की सहूलत नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे ना कि हार्ड फॉर्म में लिख कर ना, हार्ड फॉर्म में लिख कर, ठीक है, उसके अंदर खाली जगह छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से उसके ऊपर पेस्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ के ऊपर आप चीजें पेस्ट कर सकते हो ना इमेज? यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा जो चीज़ इम्पोर्टेंट ये थी कि आपके जो सी आर्स हैं उनको कहिएगा कि मुझसे वो कांटेक्ट कर लें, चारों सेक्शन के ए बी सी डी, ठीक है। सी आर्स टीम के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके यस सर, ओके, टेक केयर। अगर आपको कोई बात ना समझ आ रही हो टीम्स के से कोई मैसेज पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह।